नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार के गया जिले से, जहां पे गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी पत्र के माध्यम से एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजा गया। आपको बता दें कि ये मामला जो है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। एक पत्र के माध्यम से एयरपोर्ट डायरेक्टर को ये पत्र भेजा गया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि होली के दिन ड्रोन और केमिकल से हमले करने का जिक्र किया गया है। इस पत्र में 27 लोगों के नाम और पते भी दर्ज हैं, जिसमें से 3 लोग गया के बताए जा रहे हैं। इस धमकी भरे पत्र को गया एयरपोर्ट डायरेक्टर के द्वारा गृह मंत्रालय दिल्ली और गया एसएसपी को भेज दिया गया है। तो बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है होली के दिन ड्रोन और केमिकल के माध्यम से उड़ान की धमकी दी गई है। हालांकि पत्र में लोगों का नाम और पता भी दिया गया है। इस मामले को संज्ञान में आते ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही पुलिस और जांच एजेंसी भी एक्शन में आ गई है। दरअसल पत्र भेजकर गया बोधगया रोड स्थित गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमला करने की धमकी दी गई है। उक्त पत्र में गया हवाई अड्डा सहित अन्य कई स्थानों को होली के दिन ड्रोन और केमिकल से हमले करने का जिक्र किया गया है। पुलिस के मुताबिक गया एयरपोर्ट डायरेक्टर बंगजीत साह को धमकी कर चिट्ठी लिखी गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर बंगजीत साहा ने जिला पुलिस और तमाम एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है। सूचना के आधार पर गया एयरपोर्ट की सुरक्षा अब और बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनाती सीआईएसएफ के जवान को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि इस पत्र में एक और एयरपोर्ट की बात की गई है, जिसका बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बाबतपुर एयरपोर्ट को भी होली के दिन ड्रोन बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले की संज्ञान में आते ही एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के डायरेक्टर बंगजीत साहा को एक पत्र के माध्यम से संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। पत्र में कुल 27 व्यक्तियों का नाम पता है, जिसमें बिहार राज्य के तथा कथित 21 व्यक्तियों के नाम पते हैं। वहीं तथा कथित 3 व्यक्ति के नाम पता अंकित है। झारखंड के तथा कथित 2 व्यक्ति का नाम है। असम के 4 व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। जानकारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच और कार्रवाई के लिए गया पुलिस के संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। लेटर में जिनका नाम है उनमें से 2 महिला का नाम पता भी है। इस संबंध में जांच की गई, जिसमें एक महिला जो है डॉक्टर बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी महिला टीचर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है गया से, जहां गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर को धमकी भरा पत्र भेजा गया कि एयरपोर्ट को जो है होली के दिन ड्रोन और केमिकल से हमला किया जाएगा। वहीं वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पे भी इसकी धमकी दी गई है कि वहां भी ड्रोन बम से हमला किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीआईएसएफ के जवान को हाई अलर्ट मोड पे एयरपोर्ट पे रखा गया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।